अस्सलामुअलैकुम। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारी मुर्गियाँ यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी हैं, तो आज हम एक और नई चीज़ करने जा रहे हैं, एक और नई चीज़ ट्राई करने जा रहे हैं। वो ये कि ना, ये जो हमारे दो असीर हैं ना, अब हम इनको डाल लेंगे उस पिंजरे में। आपको इशारा नहीं नज़र आ रहा था, उस पिंजरे में, और उधर की जो छोटी मुर्गियां हैं उनको हम लेके आने की कोशिश करेंगे इस पिंजरे में। तो उम्मीद है कि हमारी कोशिश कामयाब रहेगी। तो पहले एक दफ़ा इनको निकाल के हम, और यार एक उंगली साइड पर रह जाती, इनको निकाल के हम बाहर लेके जाते हैं, और उधर से छोटी मुर्गियों को भी हम बाहर निकालते हैं, फिर छोटी मुर्गियों को ऐसे धकेलते हुए इधर लेके आने की कोशिश करते हैं। तो आइए पहले अब इनको बाहर निकालते हैं। यार हम अपने असील को तो इस पिंजरे में ले आए हैं, ये छोटे वाले पिंजरे में, और अब कोशिश करते हैं कि ये जो हमारी छोटे वाली मुर्गियां हैं इनको हम उधर ले जाएं दूसरे वाले पिंजरे में। इसके लिए पहले जो उधर मुर्गियां हैं उन सबको बाहर निकालते हैं, और उसके बाद फिर इनको ज़बरदस्ती अंदर लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो भाई काफ़ी खपत के बाद अब हम अपनी सारी छोटी मुर्गियों को अंदर ले आए हैं। पहले 10 आई, बाद में जब बाकी लाने लगे दो निकल गई, फिर उन दोनों को लाने के चक्कर में बड़ी वाली भी अंदर आ गई। बहुत मुश्किल से लाए यार इनको अंदर, इतना मुश्किल तो असील को उधर लेके जाना नहीं था जितना इनको अंदर लेके आना था। खैर अब सारी मुर्गियाँ हमारी अंदर आ गई हैं, लेकिन यार जगह इनके लिए थोड़ी है, तो अब इनका भी कुछ करेंगे। जगह बढ़ तो नहीं सकती, लेकिन अभी ना फ़िलहाल शुरू में कोई हफ्ता के इनको ऐसे अंदर ही रखेंगे, और जब छोड़ना हुआ ना तो इसी पिंजरे में छोड़ेंगे, ताकि ये इस छोटे पिंजरे की आदि हो जाएं कि हम इनको अंदर करें ना तो सीधा इस छोटे पिंजरे में जाएँ। तो इसके लिए हमें तकरीबन हफ्ता का इनको रखेंगे इधर अंदर, ताकि इसकी आदि हो जाएँ, उसके बाद इनको भी बाहर छोड़ दिया करेंगे और ये भी इंजॉय कर लिया करेंगे। अब दिन आ गए हैं असील के, असील जो मुर्गियां थी ना, अभी फ़िलहाल उनके दिन चल रहे हैं कि वो ज़्यादा जगह पे ना घूम फिर लिया करेंगी। आहिस्ता आहिस्ता फिर इंशाल्लाह हम सबको इकट्ठा ही छोड़ा करेंगे और मैनेज कर लेंगे। तो अभी ये फ़िलहाल नई जगह पर एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हैं, हाथ पैर मार रही हैं। अब इनको दाना तो हमने डाल दिया था, अब फिलहाल इन्हें भूख नहीं लगी हुई, तो अब इनको ना दोपहर को आके एक दफ़ा फिर से यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमने ये पिंजरा बंद कर देना है। ये जो दो बेड बाहर फिर रही है ना, इनको भी अंदर करके तो ये पिंजरा बंद कर देते हैं, और ये जो पानी का ना कुछ करते हैं कि इसको दरमियान में रखते हैं और थोड़ा ना ऊँचा करके रखते हैं, क्योंकि जब इस पर मारेंगी ना पैर तो ये उछल के उसमें पानी में जाएगा। तो अब इसको पानी को थोड़ा ऊंचा कर देते हैं और इसको ना दरमियान में रखते हैं, ताकि मुर्गियां इधर उधर ना घूम फिर लें। और दूसरा जो खाने वाला बर्तन है वो हम वो भी कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। खैर उसका भी कुछ करेंगे, फ़िलहाल पानी वाले बर्तन को हम दरमियान में रख देते हैं, या फिर ऐसा करेंगे जब खाना डालना हो बड़ी मुर्गियों को हम बाहर निकाल दिया करेंगे, और इनका खाने का ना यहीं पे का इंतज़ाम कर लेंगे। अभी फ़िलहाल इसको सेट करते हैं। तो पानी का बर्तन अब दरमियान में आ गया, पानी भी हमने भर के रख दिया है, क्योंकि इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, ये हैं भी ज़्यादा, असील तो थोड़े से थे इस वजह से थोड़े पानी से भी चल जाता था। तो अब जो चेंज होने वाला रह गया ना, वो बस ये रह गया है, ये चीज़ काफ़ी पुरानी है, ये जब छोटे छोटे हमने बच्चे लिए थे ना, ये वाले नहीं दूसरे वाले, तो तब का है ये, नहीं ये तब का है जब असील लिए थे हमने, और ये वाला तब का है जब हमने छोटे छोटे बच्चे लिए थे मुर्गियों के। तो ये काफ़ी देर हो चुकी है अभी से भी,
तो अब सिर्फ ये चेंज होने वाला रह गया, तो किसी दिन ना टाइम निकाल के हम ये भी चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें भी खपत लगेगी। पहले सारा साफ़ करना है, फिर बोरे में डालना है और नए सिरे से ला के इसमें डालने हैं। तो इसका भी कुछ किसी दिन कुछ ना कुछ करेंगे। पानी मैंने काफ़ी ऊपर करके रखा है और शुक्र है कि ना इनका मुंह यहाँ तक पहुँच रहा है। अब ये देखो काफ़ी ऊपर है। अब ये है कि अगर पैर भी मारेंगे ना तो इसके ऊपर नहीं जाएंगे, और अगर चला भी जाता है तो नीचे दो टाइलें रख के ना थोड़ा और ऊपर कर देंगे, क्योंकि फिर भी इनका मुंह वहाँ पे पहुँच ही जाएगा। पानी दरमियान में तो काफ़ी ना मुर्गियाँ एक साथ पी रही हैं पानी। अगर साइड पे होता तो दो तीन ने पीना था और जगह भर जानी थी, तीसरी को जगह ही नहीं मिलनी थी पानी पीने की। इस वजह से अब दरमियान में तो सारी पी रही हैं। अब इनकी तो अपडेट हो गई, अपडेट आपको मिल गई है। अब हम ऑब्ज़र्व करते हैं उन दोनों को छोड़ के, असील छोट नए वाले पुराने वाले और अरे कहना क्या चाहते हो? असील पुराने वाले और असील नए वाले, उन दोनों को छोड़ के हम देखते हैं कि उनका क्या रद्द अमल निकलता है। फिलहाल हम इनको अंदर कर देते हैं। यार इनको छोड़ा हुआ है लेकिन अभी तक तो इनका कोई रिएक्शन नहीं है। बड़ी मुर्गियाँ ऊपर बैठी हुई हैं। ज़्यादा मसला बनेगा इसके साथ, क्योंकि ये मुर्गा है और ये पहले लड़ती रही हैं, मतलब जहाँ से हम लेके आए ये मुर्गों के साथ भी लड़ती रही हैं, काफ़ी अपने से बड़े बड़े मुर्गों के साथ लड़ती रही हैं। और ये तो बेचारा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा है मुर्गा, तो इसका क्या हाल करेंगे। तो देखते हैं कि जब ये आपस में टकराते हैं तो इसके साथ क्या बनता है, कि इसके साथ आराम से खड़े रहते हैं या फिर इसके साथ भी लड़ेंगी ये मुर्गियाँ। तो इनका ये और ये लड़ पड़े, इसी वजह से ना मैं इनको इकट्ठे नहीं छोड़ता, इनका लड़ना भी बहुत बुरा होता है। अब इनको छुड़वाएं तो यार इनकी लड़ाई बहुत गंदी है। वो देख रहे हो वो कपड़ा, कपड़ा डाल के फिर मैंने ना इनको रोका है, मतलब एक पे कपड़ा डाल दिया, दूसरा खुद ही साइड पे हो गया। हालांकि वो स्टिक भी इस्तेमाल की ना मैंने इनको साइड पे करने के लिए, लेकिन नहीं हटे, ये बहुत बुरा लड़ते हैं। तो यार ये मुश्किल रहेगा कि इन दोनों को इकट्ठा छोड़ा जाए, या तो इनको देखेंगे। अगर ये सेट आते हैं तो ठीक है, यही मुर्गी है जो ज़्यादा लड़ती है, बड़ी मुर्गियों से भी यही लड़ती है। लेकिन ना इसका दूसरी मुर्गियों के साथ लड़ना अलग है, लेकिन असील के साथ बहुत ही बुरा लड़ती है ये। तो देखेंगे, अगर तो ये एडजस्ट हो जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो भाई इन दोनों को सेल कर देंगे। नहीं यार, इतना दिल का मरीज भी होता है कोई, ऐसी इनको लड़ाई इनकी लड़ाई देख के कहीं मैं ना बेहोश हो जाऊं। तुमने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? तो अब उनको हमने अलग बंद कर दिया, इनको भी हम अंदर करते हैं और दूसरा इनका पानी अंदर रख के आते हैं।